वो था, एक बाल्टी पानी मुझे देते थे, उसी में ब्रश करना है, उसी में फ्रेश होना है, उसी में नहाना है और डेली सर धो के नहाना है। भगवान, मैं तो जब तू क्या कर रही थी पहले, सर डुबा लेती होगी उसके अंदर। तो पता नहीं, मैं जब मैं घर आई ना अपने घर, मत नो नो, हु इज दिस? दिस अजी, वेयर इज अजी? अजी वेंट टू माता रानी। ओके, आई इज देयर, ओजी इज विथ माता रानी। ओके, हम अपना वही कल वाला जो वीडियो पोस्ट किया था ना, वही देख रहे हैं। अरे भाई, विदाई को बहुत साल हो गए। व्हाट बंद करो। वॉट यू वॉन्ट टू डू? हरे रामा हरे कृष्ण। हाउ डू यू डू? हरे कृष्णा। शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, उसका ज्यादा वाला ले लिया, अपना कम वाला दे दी, कह रहा शेयरिंग इज केयरिंग। देख देख, दिखा दे। उसका ज्यादा वाला, उसको कम वाला दे दे। ज्यादा वाला लेके कह रहा है शेयरिंग इज केयरिंग। बस बेटा, यही यही संस्कार दिए हमने। चलो लेट्स स्टार्ट इट। ओ वेरी ब्यूटीफुल लाइट। एक एक घर छोड़ते नहीं है दादा, कहीं भूल ना जाए, कहीं जाना। Now here. Now where? Now what? Paduka. Paduka. Bogo finish, then Paduka. And? Paduka and? Nilmaya. Huh? What? Paduka. Nilmaila. We had Paduka. Nilmaila. This is not Nirmala. It is Nirmalya. Okay. What do you want to take? Nirmala. This is Nirmalya. And? This is? Nirmal. Paduka. Nirmala. No. I have Paduka. Paduka. You want to have Paduka? Yeah. डेली का इनका यही रहता है, हरे रामा हरे कृष्णा, देन भोगो, देन पादुका, देन निर्मल्या। कल वाला जो विदाई वाला वीडियो है वो मैं इनके साथ बनाना चाहती थी, बट ये तो बिजी रहते हैं, बड़े आदमी बड़े बहुत बिजी रहते हैं, तो हम जैसे छोटे छोटे लोगों के साथ क्यों वीडियो बनाएंगे। हम जो काम करते हैं तो ऐसा हो जाता ना। सॉरी गाइस, आप लोग, मैंने अभी कमेंट्स पढ़ रही थी, 3 घंटा हो गया वीडियो को पोस्ट किया एंड बहुत लोग रो रहे हैं ये वीडियो देख के। रुलाने का कोई भी इरादा नहीं है, बट क्या करें, वीडियो ही ऐसा है कि सबको रोना आ जाता है। कुछ लोगों ने बोला कि भाई जीजू गुस्से में थे, मैं तभी एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, कैसा था मैं गुस्से में? सच में गुस्से में थे ना। गुस्सा मतलब नींद इरिटेटेड हो रखा था यार भाई। एक तो पहले वाले दिन से दोस्त लोग इतने सारे आए हुए थे, वो कॉकटेल पार्टीज और वो सारे यू नो जो बॉयज वाले ड्रामेज और वो सब चीजें होती हैं। उसके बाद फिर अगले दिन से मुझे कुछ खाना ही नहीं है। मुझे फिर लिक्विड डाइट पे, जैसे ये वाटर फास्टिंग कर रही होते हैं ना, तो मेरे को लिक्विड डाइट पे रखा हुआ था, कोई थोड़ी बहुत स्क्वाश का पानी या कोई रसना, कुछ छोटा मोटा एक जिसने पिला दिया। और फिर रात में पहुंचे भाई, इतनी खतरनाक नींद आ रही थी। ट्रैवल हो जाता ना इनका, गांव से बारात लेके आओ, 3.5 घंटा ट्रैवल करके, फिर बारात में तो आप लोगों को पता है कि 3-4 घंटा नाचना है। बोलता इसको भाई आज नींद आ रही थी, तो मैं कल ले जाऊंगा आगे। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था भाई। मैं थोड़ी देर के लिए बैठा, उन्होंने जबरदस्त बड़ा फैन लगाया,
और गर्मियों का सीजन था। हाँ, इतनी जबरदस्त हवा आई तो मैंने क्या अपने शेरवानी थोड़े ऐसे करके पड़ गया मैं ऐसे उल्टा होकर। एक्चुअली हुआ क्या था ना, तो कोई आया, अरे भैया दूल्हे आप ही हो ना, अरे थोड़ा सरदर्द तो जाओ भाई, वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले आ रहे हैं। अरे भाई सरदर्द मेरे को भी नींद आ रही है, सोने दे थोड़ी देर। एक्चुअली क्या है ना, ये हमारे पुराने घर में शादी हुआ था। अभी तो वो घर नहीं है, अभी तो वो तोड़ के नया घर बना लिया। एंड हम लोग उस टाइम पे रेंट पे रह रहे थे, हमें कोई भी मंडप नहीं मिला। शादी अचानक फिक्स हुआ था 2 महीने पहले, कोई भी मंडप नहीं मिला। फाइनली वो हमारे घर का जो बड़ा सा एक खाली एरिया था वहां पे हुआ। तो ओपन एरिया में एसी वेसी कुछ अरेंजमेंट नहीं, कोई भी हमें मंडप ही नहीं मिला था। फैन गर्मी मतलब मैं बैठा हुआ था वहां तो कुछ था, तो दूल्हा वैसे थे। हाँ, दूल्हा दूल्हे के लिए फैन लगाया था, दुल्हन तो ऐसे ही बैठी थी। नहीं शायद एसी भी था वहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं। फिर आपको पर जो भी था वहाँ थोड़ी देर जिस जगह पे इन्होंने मुझे बिठाया था ना भाई, वो बहुत ही सुकून वाली जगह थी और मेरे को 2 मिनट में नींद आनी शुरू हुई। उसके बाद इतना इरिटेटेड होके जब मैं आया, तो हमारे यहाँ पे यू नो कभी और दिखाना वो वीडियो अगर मैं रस्मों में शादी में पहले होते, पहले थोड़ी देर दुल्हन बैठी रहेगी, फिर दुल्हन उठ के चली जाएगी, फिर पंडित दूल्हे के साथ में लगा रहेगा। भाई पंडित पंडित ने बहुत बोल के, मैं तो उससे पूछ रहा था भाई इसका मतलब बता। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ओडिशा में ना ये जो 7 फेरे जो होते हैं ना वो सब नहीं होता है। ये बैठ के पंडित जी को अभी फेरे करवाओ, अभी फेरे होते हैं, दिल्ली में फेरे होते हैं, फेरे करवाओ। मैं उससे सारी चीजें समझा रहा था कि भाई इसका मतलब बता, इसका मतलब बता। भाई पंडित को पता ही नहीं इसका क्या मतलब है, और कुछ चीजें बता रहा था कुछ चीजें नहीं। मैं एक कम कर ये वाला करा, तो बोला फेरे, कहता नहीं हम 3 कराते हैं। मैं बाकी 4 कौन कराएगा अगले दिन हमें, तो बोला फिर पूरे 7 कराऊंगा। पंडित जी अभी भी उनको इनको याद है, क्योंकि ये इतना उसको इरिटेट कर दिया था ना पंडित जी को, वो अभी भी अच्छा विश्वजीत हाँ हाँ उसकी शादी हमने करवाई थी, उसने ये करवा वो करवा। लेकिन पंडितों के पास भी ना बड़ा जबरदस्त पेशेंट था। एक पंडित हम भी लेके आए थे, मेरे को याद है, ऐसा होता है। हमारे जो पंडित जी थे वो शायद मेरे चाचा के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और उनका पंडितों वाला काम है, तो हमारी जैसे मैं अपने पंडित उनके पंडित से बढ़ाया भाई, हाँ भाई पंडित जी क्या बोल रहे हैं। ओडिशा में ऐसा होता है क्योंकि दूल्हे की तरफ से एक पंडित आता है, उनके गांव में अलग रिवाज होते हैं। दुल्हन की तरफ से एक पंडित आता है, उनके गांव में अलग रिवाज होते हैं। और दोनों जगह पे दोनों भिड़ जाते हैं। नहीं नहीं, मेन बात है कि दोनों ने अपने रिवाज में भिड़ गए, फिर मैंने बोला एक रिवाज मेरी तरफ से, ये 7 वाले फेरे करा। भाई भाई बचपन से हिंदी मूवी देख देख के करा होता है, और 7 फेरे में शादी कैसे होती। हमारे यहाँ बरवाला वगैरह भी नहीं होता ओडिशा में, मतलब दूल्हा दुल्हन को देखते ही नहीं। हाँ, तब तक नहीं देखे, अब तो पंडित सारे रसम नहीं निपटा ले भाई, इसको अलग साइड में, अलग साइड में। अभी आपने देखा होगा, एक मेरे को बड़ी हंसी आई थी, पहली बार मैंने अपनी शादी में देखा था, इससे पहले मैं कोई नॉर्मल टिपिकल ओडिया वेडिंग वैसे ओडिशा में नहीं अटेंड किया था। देखा इनके यहाँ पे जब मैं बारात लेके आया, तो देखा इनका जो जो मंडप टाइप का बनाया हुआ था ना, तो जहाँ पे इसको वहां एक ही चेयर था भाई। इतनी बेइज्जती, मैं कहा अपनी बेटी को बिठा रखा भाई, मैं कहा बैठूंगा, मुझे लेके अलग से एक जगह पे बिठा दे। मैं कहा चलो अच्छा है भाई, वहां नहीं बिठाया, वहां बिठाओ तो शायद वहीं पे ऐसा होता। तो हम लोग शादी के बाद जो एग्जाम देने गए थे भाई, बहुत सारे ड्रामे। अपने पास इतना टाइम है बात करने का? हाँ ठीक है, मतलब ना रिसेप्शन वाले दिन गांव में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने लिपस्टिक तक नहीं लगाई है मैं अपनी शादी में। आई थिंक मैं अभी ज्यादा डार्क लिपस्टिक लगाती हूँ, पूरे शादी में लिपस्टिक तक भी नहीं है। सुबह 5 बजे उठ के हम लोग एग्जाम देने गए थे, 9 बजे का पेपर था। सबसे पहली बात, 12 बजे एग्जाम खत्म करके 4 बजे हम लोग घर वापस आए, तो मेकअप तो छोड़ो कुछ घर नहीं। में तो बुजुर्ग लोग होते हैं ना दादाजी लेवल के, और वो उस टाइम मतलब मेरे दादाजी के जो भाई थे, दादाजी तो मेरे थे नहीं मेरी शादी तक, तो वो लोग सारे अकड़ गए भाई, दुल्हन अभी कल शादी होके आया है और आज कैसे घर से तो पाँव भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। मैं कहा पाँव पूरी दुल्हन को लेके जाना भाई, पाँव ने थोड़ी टेस्ट देना है। तो सब कुछ हुआ, फिर पापा मेरे से, पापा कहते ले जा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे बातचीत। और एक पापा के साथ में मेरे एक और अंकल थे, आदित्य अंकल, और 2-4 और आजू बाजू है ना, 2 गुट बनवा दिए मैंने, 1 गुट जो दुल्हन बाहर जा सकती है, 2 गुट जो दुल्हन बाहर नहीं जा सकती। बहुत उसके ऊपर बहुत चर्चा हुआ था, मैं भाई दुल्हन जाएगी नहीं जाएगी, मेरा फाइनल एग्जाम में मैं नहीं दूंगी, मैं ग्रेजुएट कैसे होंगी। हाँ वरना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर बने रह जाती है, 4 साल मेहनत की, 2 पेपर नहीं दूंगी मैं, ग्रेजुएट कैसे होंगी। और बात भी है कि जिस दिन हमारे गांव का टिपिकल रिसेप्शन होता है, इसमें गांव में बहुत सारे लोग इसे पिनक जाते हैं कि भाई हम खाना खोड़े ही खाने आए थे, हमने तो दुल्हन को देखा ही नहीं, तो सब चीजें एग्जाम देके किसी तरीके से गाड़ी भगाते 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 भाई ड्राइवर को मतलब फटाफट भगा फटाफट भागा। मैं तो टी शर्ट में था, टी शर्ट में मैं ले हो तो भाई देख लो फटाफट, जिस जिसको भी देखना है। नहीं, सबसे बड़ा मस्त ड्रामा हुआ था हमारे रिसेप्शन में, दिल्ली वाले रिसेप्शन में। क्या
है ना, वो याद नहीं कि जो कार्ड छपाए थे, हाँ। हमने कार्ड छपाए थे, तीन लीफलेट थे उसमें, एक मैरिज का, एक गांव के रिसेप्शन का और एक दिल्ली के रिसेप्शन का। दिल्ली का रिसेप्शन था 11 तारीख, एंड 11 तारीख को इसका कुछ एग्जाम नहीं था जब तक कार्ड छप के बंट नहीं गए थे 200 कार्ड। जैसे 200 कार्ड बंट गए दिल्ली में, उसके बाद इसका मेरे पास फोन आता, हेलो, हाँ, मैं कहा क्या हो गया, अबे क्या हूँ, नहीं और बस भाई 11 तारीख को एग्जाम को पोस्टपोन हो गया। मैं कहा ले भाई 200 कार्ड बांट दिए तो कर रही है इसके के चक्कर में। फिर मैं पापा को बताया, पापा कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर गए हम लोगों ने अलग से नहीं नहीं पहले लीफलेट अलग से एक छपवाया, फिर जो 200 घरों में कार्ड बंट चुके थे उनके घर पे गए, मैं दूल्हा डायरेक्ट खुद एक मेरे जो अभी जीजा जी हैं उनके साथ में और बाकी एक दोस्तों के साथ में, सबके साथ में हम भाग के गए, सबके घरों में कार्ड दिए, भैया माफी मांगी। 11 को नहीं थी, 13 को होगा भी। और जो हमने रिसेप्शन के लिए जो बुक किया था वो कहता भाई हमारे पास अब 13 का डेट नहीं है, तो कभी और का। मैं कहा कभी और थोड़ी कर लूंगा भाई। फिर एक और फ्रेंड की मदद से फिर एक और रिसेप्शन वेन्यू फाइनलाइज किया, फिर मेनू फाइनलाइज किया, क्या गोलगप्पे खाएंगे, क्या ये खाएंगे, वो खाएंगे, कौन सी भाई वो होता ना दिल्ली में वाइन वाइन कहाँ से आएगी, कहाँ से लाइसेंस लेना है। और लाइसेंस ले चुका था मैं जो लिकर वितरण का जो दिल्ली में बहुत फेमस होता भाई शादियों में जरूरी है, उसका लाइसेंस हो चुका था, वो इस वाले वेन्यू के लिए था। फिर वापस से लाइसेंस चेंज कराओ, फिर पैसे भरो, फिर दुनिया भर के ड्रामे। और फाइनली मैं कहा इससे मैंने सब कुछ होने के बाद पूछा, मैं कहा भाई 13 तारीख को हो जाएगा ना रिसेप्शन की, तेरा वापस से फिर डेट को चेंज होना है। ब्यूटी का हमेशा आपको पता है स्ट्राइक हो जाएगा, एग्जाम पोस्टपोन, स्ट्राइक हो जाएगा, एग्जाम पोस्टपोन। क्या ब्यूटी बता दो क्या है? बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी है। छोड़ो मैं इसका कुछ और फुल फॉर्म बताने वाला था, छोड़ो और बताऊंगा पर्सनल। अच्छा बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था कि आप गांव में शादी करके गए थे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था। तो मैं वहां पे कितने, मैं जैसे कि बताता हूं, 8-10 दिन मैं वहां पे गांव में रुकी थी। तो गर्मियों का सीजन, इतना सारा ज्वेलरी, साड़ी, घूंघट, आप समझ सकते हो कितनी गर्मी हो रही होगी गांव में। मतलब कभी कभी लाइट नहीं होता था तो इस टाइप का सुबह सुबह पता नहीं मम्मी, मतलब हमारे गांव में इतना ज्यादा स्पेस नहीं था कि सब लोग एक साथ रह पाए। मतलब मेरे छोटे छोटे ससुर जो हैं, चाचा ससुर, उनके घर में मम्मी पापा वो सब चले जाते थे सोने के लिए। तो मेरी जो और एक मतलब चाची सास थी, वो उनकी जिम्मेदारी थी कि बहू को उठा के उनको मतलब बाथरूम के पानी वानी दे, क्योंकि पानी बस सुबह एक टाइम आता था। तो वरना तालाब पे जाओ, तो सुबह एक टाइम पानी आता आएगा बस 2-3 घंटे के लिए। तो उस दिन का मतलब आज का पानी नेक्स्ट डे सुबह के लिए मेरे लिए रखा होता था कि हाँ मतलब दुल्हन नहाएगी तो उसके लिए अलग से रख दिया जाता था वो पानी पूरा ठंडा। तो सुबह सुबह 5 बजे तक शादी, पागलो 4 बजे, 5 तो हाँ, बहुत 4-5 बजे जो भी है भाई, सुबह सुबह आदमी सोया हो बड़ी मुश्किल, धड़ सबसे ज्यादा वो था। एक बाल्टी पानी मुझे देते थे, उसी में ब्रश करना है, उसी में फ्रेश होना है, उसी में नहाना है और डेली सर धो के नहाना है। भगवान, मैं जब तू क्या करती थी पहले, सर डुबा लेती होगी उस अंदर पता नहीं। जब मैं घर आई ना अपने घर, मतलब 10 दिन के बाद जब अपने घर आई, मैं कहा पहले मैं नहाऊंगी मुझे मैंने छोड़ दो। हमारा पर्सनल तालाब है भाई, हम बोलते भैया उस टाइम पे बोला थोड़ी जाता है कि हाँ मुझे पानी ज्यादा चाहिए नहाने के लिए, मुझे ज्यादा पानी दो, ऐसा थोड़ी मैं बोल सकती थी किसी को। पहले मैं आई मगर किसी से मैं मिली नहीं, ये सांड तो, ये सांड तो अभी बनी है, नहीं नहीं पहले गाय थी ये जो देख रहे ना सांड। कभी हम लोग अभी जब इंडिया जाएंगे ना, गांव तो जाएंगे पक्का, तो मैं आपको दिखाऊं। अभी भी मैं गांव जाती हूँ, अभी भी साड़ी, यहाँ तक घूंघट रहता है, चूल्हे में खाना बना। वैसे 1-2 दिन के लिए हम लोग जाते तो वो मुझे खाना बनाने के लिए नहीं बोलते हैं कोई कभी भी, फिर भी अगर मुझे छोटा मोटा कुछ एक सब्जी बना दे, चाय बना दे, कोई चूल्हे पे बनता है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि कैसा है, मतलब गांव का कैसा एक्सपीरियंस। फिर तो दिल्ली आने के बाद नॉर्मल, जैसे दिल्ली में ऐसा कुछ हमारा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं उल्टा साड़ी पहनती थी, मुझे घर में मना करते थे कि साड़ी मत पहनो, साड़ी मत पहनो। 1 महीना मैंने पूरा साड़ी पहना है। शादी हुई थी हमारी 1 तारीख को, एंड 27 तारीख को हम लोग गए थे वैष्णो देवी। पहले सबसे पहले माता के द्वार गए थे दर्शन करने के लिए, फिर हम लोग गए थे मनाली। हमारा वो भी एक ट्रेजेडी हुआ था, जो
हनीमून का वो तो और भी खतरनाक ट्रेजेडी। हनीमून वाली ट्रेजेडी और स्टोरी हम किसी और चीज में नहीं, बताओ बताओ बताओ, बताओ। नहीं, आप बताओ। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, टिकट बुक कर लिया था। अरे यार ये बड़ी ड्रामेबाज है, ठीक है। मुझे लगा कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है तो भैया पासपोर्ट पूछपूट होगा कुछ है वो। तो मैंने चौड़ में क्रबी आइलैंड करके एक जगह है, मतलब बिटवीन थाईलैंड और मलेशिया के बीच में कहीं है, तो उसका मैंने बुक के लिए बात कर ली। और उसके लिए मैंने, अच्छा हुआ कि जो पैसे भरे थे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भरे थे, और मैंने उसमें डाल दिए भाई और सब कुछ सेट कर दिया। इसको मैं सरप्राइज दूंगा कि भाई तेरे लिए सरप्राइज है, सो वी आर गोइंग टू। ये कभी मतलब बहुत ज़्यादा कहीं इंडिया से बाहर तो कभी गई नहीं थी। मैं कहा चलो ठीक है, शी विल गो टू दिस प्लेस एंड इट इज़ वेरी नाइस प्लेस क्रबी आइलैंड। इसको सरप्राइज दिया मैंने, ऐसे ऐसे है अच्छा किया कि शादी के कुछ दिन पहले सरप्राइज। ऐसा होता कि मतलब शादी के बाद अगर सरप्राइज मिलता तो फिर गई। ये फोन टूटू हो रहा है, इसको बंद करो। मुझे शादी से बस कुछ दिनों पहले, आई थिंक 10-12 दिन पहले मुझे बताया। मैं पता नहीं कुछ बात करते करते कोई बात निकली ऐसे ऐसे, तो मैं सिर्फ वो देख रहा था कि हम लोग कहाँ जाएं बाहर। तो बोला बाहर जाएंगे, मैं कहा हाँ बाहर लेके जाता हूँ मैं। तो वो गई हाँ हाँ, तो पहले खुश हो गई वो, कहती लेकिन पासपोर्ट। मैं कहा पासपोर्ट तो तेरे पास हो गई ना, कहती नहीं। मैं कहा पागल, पासपोर्ट नहीं है तेरे पास, 40,000 रुपये डाल दिए मैंने वहां पे। वो तो अच्छा था, वो किसी एक जानने वाले के थ्रू था, तो उस 40,000 में से 20,000 या 25,000 कुछ वापस आ गए थे, अभी याद नहीं मेरे को। फिर हम लोग बैठे, मैं कहा ले हो गया फिर कांड। फिर मैं कहा भाई दिल्ली का स्विट्जरलैंड, ओ इंडिया का स्विट्जरलैंड ढूंढो, कहा है। मैं कहा चलो मनाली। मनाली गए थे हम लोग, मनाली वो उसमें गए थे ना, जो एक स्लीपर एसी बस वॉल्वो का कुछ नया नया आया था। तो भाई अलग से मुझे पहाड़ों से वो है, मैं पूरा हनीमून उल्टी कर करके गई, उल्टी कर करके वापस आई। सीधी तो इसने कभी आज तक जिंदगी में करी नहीं है ना, बहुत मजे में बात करती है पूरी इसने। लेकिन वैष्णो देवी ट्रिप वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। हम लोग गए थे माता रानी की दरबार, तो वहां के बाद पहले 2 साल में, क्योंकि शादी से पहले हम दोनों वैष्णो देवी गए थे एंड वहां पे उस टाइम पे हमारा थोड़ा थोड़ा अफेयर स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे हमने मन्नत मांगी थी कि शादी अच्छे से हो जाएगा तो हम फिर से आएंगे, तो हम लोग इसीलिए सबसे पहला मतलब शादी के बाद हम लोग वैष्णो देवी गए थे। पहले तो पूरी जगन्नाथ गए थे, जगन्नाथ टेम्पल एंड देन वैष्णो देवी सबसे पहले गए थे। देन उसके बाद हम लोग ने ऐसे ही प्लान किया था कि हाँ जम्मू जाएंगे, जम्मू से देन वहां पे चले। अभी इसने मेरे को घुमाना बंद कर दिया वैसे, पहले मैं घुमाना बंद कर दिया। 2 साल में इसने मेरे को 21 ट्रिप कराया था भाई, 21 ट्रिप में फर्स्ट 2 ईयर्स। सोच सकते हैं हम 24 महीने में 21 ट्रिप, इसलिए भी रहा क्योंकि एक तो शुरुआत में, फिर हम 2014 में दुबई आए, फिर शुरुआत में पहले सेट होते होते एक ही बार हम लोग जॉर्जिया गए हैं हनी बनी को लेके, रशिया बॉर्डर। उसका हनी बनी भी छोटे थे तो कहीं पे ले जाना करना सब सेट करना बड़ा मुश्किल होता था, बट नाउ आई थिंक हनी बनी और ऑल सेट, वी आर जस्ट वेटिंग ए कोरोना पुराना वाला ड्रामा फटाफट से खत्म हो, चीजें थोड़ी सी ट्रैक पे आए, सारी चीजें सेट हो जाए फटाफट, सो देन एवरीबॉडी वुड बी एबल टू एंजॉय। चलिए गाइस ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये रहा जीत का रिएक्शन उनके शादी के टाइम का। So, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेकिन मैं आज भी बहुत गुस्सा हूँ भाई, मेरे को सोने को नहीं मिला, तो उस समय सीरियसली मैं इतना इरिटेटेड था। वैसे रात भर सोते नहीं है कभी, शादी वाले दिन उनको नींद आ रही थी बड़ी तेज भाई, पूरे दिन भर रात भर शादी वाले दिन एक्साइटमेंट होती है इतनी उदास। कॉकटेल पार्टी भी दोस्त कर रहे हैं, मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं है, सब चिकन मटन सब लोग खा रहे हैं, मैं को कर रहा है साधा व्रत पानी के साथ। वो कौन सा रिसेप्शन में बोल रहे थे कि कितना सारा आइटम हुआ था वो, यार रिसेप्शन में भी नहीं खा पाया था मैं, अभी आपके साथ में अपना रिसेप्शन का वो शेयर करता हूँ। लास्ट में बस लास्ट में दूल्हा दुल्हन को बिठा देते कोने में, थोड़ा थोड़ा कुछ दे देते, वो शर्मा के क्या खाएंगे, एक ही प्लेट से क्या शर्मा के खाएंगे, बस एक चम्मच ले ले, एक चम्मच ले ले, हाँ बस फोटो खिंचा दी हमारी, बोल की इन्होंने खाया जो भी खाया बस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस। आई एम थोड़ा सा लेट हो जाएगा सबको रिप्लाई करने में, बहुत ज्यादा कमेंट्स है, तो बट थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो सो मच। रात को ही मैं बैठ के रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, टेक केयर, बी सेफ।